हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो गाइज, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कट ऑफ डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हो आप दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो अपने एडमिशन के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपको पहले तो आपको अपना एडमिशन वहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है अगर यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अगर आपने ले लिया है तो आप उसी कॉलेज में स्टडी करो, आप अच्छे से करो। देखिए, जब दो जगह एडमिशन लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हो आप वहाँ पर भी दोबारा से एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में साफ साफ कहा गया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि साफ साफ उसमें डिक्लेयर किया गया है कि आपको एडमिशन सिर्फ एक टाइम पर एक ही जगह लेनी है। तो अगर आप चाहोगे कि दूसरे जगह भी एडमिशन ले लो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लो, अगर आप डिस्टेंस से ले चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रेगुलर कॉलेज से लिए हो तो अब आप दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब कट ऑफ आएगी तब आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज उस पर आप पे केस हो जाएगा और आप जहाँ एडमिशन लिए हो वहाँ पर भी आप दोबारा से एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आप मेरी मानो तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। बट जिन बच्चों ने एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में नहीं लिया है और वो रियली चाहते हैं कि उनका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, तो ये उनके लिए गोल्डन चांस है। एंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपने नहीं लिया है दूसरे कॉलेज में एडमिशन, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं क्लास ट्वेल्थ में, तो ये अच्छी बात है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। बट अगर आपने अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाया है तो आप प्लीज़ पहले से बनवा लो, बिकॉज कट ऑफ जब निकलेगा उसके बाद तुरंत एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको तुरंत जाना पड़ेगा अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, बिकॉज इस बार अंडरटेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। तो आप अपना सारे सर्टिफिकेट स्कूल से ले लो। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी का प्रॉफिट लेना चाहते हो या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ के बाद का मैं प्रोसेस बताऊँ कि कट ऑफ कैसे चेक करते हैं एंड कट ऑफ के बाद कैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट आप चाहते हो कि उसमें मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे कॉमेंट कर देना वो वीडियो देख के, अगर आप चाहोगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1 अक्टूबर को अपना कट ऑफ डेट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें एक्सपेक्टेड लिखा गया, बट मैंने अपने टीचर से बात किया, उन्होंने बताया है कि ये कन्फर्मेशन है, आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि कन्फर्म है ये कि 1 अक्टूबर को ही आपका कट ऑफ का डेट आएगा। तो आप प्रिपेयर रहना अपने एडमिशन के लिए, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लेना। If you have any questions and query, you can also ask me again. Till then, like, share and subscribe. Say something. Thank you so much, everyone. Thank you.